आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न होने हैं, जिसको लेकर की कांग्रेस पार्टी ने आज 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें गुनौर विधानसभा से जीवन लाल सिद्धार्थ और पबई विधानसभा क्रमांक 58 से पूर्व विधायक पंडित मुकेश नायक को उम्मीदवार बनाया गया है। सूची जारी होते ही पंडित मुकेश नायक अपने समर्थकों के साथ में माता कलेही के मंदिर पहुंचे और माता का आशीर्वाद लिया। टिकट मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। उम्मीदवार पंडित मुकेश नायक ने कमलनाथ को धन्यवाद दिया। मैं अपने प्रिय नेता श्री राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी और यहां के प्रभारी माननीय सुरजेवाला को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और जनता की सेवा के लिए मुझे यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया। मैं ये सिद्ध स्थान है पवई का, इस स्थान से कभी कोई असत्य कथन नहीं कर सकता और अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ आ गए और मुझे ये कहने का मौका मिल रहा है। मेरी जो प्राथमिकताएं होंगी क्षेत्र में, सबसे पहली प्राथमिकता कि कोई भी असामाजिक तत्व हमारे अमन चैन और शांति में खलल पैदा नहीं कर पाएगा, क्षेत्र की जनता को मैं इसकी गारंटी देता हूं और जिम्मेदारी लेता हूं। दूसरी बात, हमारी राजनीतिक शैली में कभी किसी का नुकसान नहीं करना, सबकी सहायता करना, सार्वजनिक महत्व के कामों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और ये पवई जो सब तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, यहाँ का बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई योजनाएं, टूटी हुई नहरें, समय पर गल्ला नहीं बटना, समय पर ट्रांसफार्मर नहीं लगना और जो जनता के रूटीन के काम हैं, ये इस तरीके से पूरे किए जाएंगे कि लोग मुझे सदैव याद रखेंगे कि इस तरह से भी कोई आदर्श विधायक हो सकता है।